दुनिया तक पहुंचाओगे और बच्चों में खुशियां बांटोगे। ठीक है। और ये अंडा हम ईस्टर खरगोशों को अपना मिशन याद दिलाता रहेगा। खरगोशों को पकड़ने के लिए हमें कब से जाल बिछाने की जरूरत पड़ने लगी? ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे? हमारा सुनहरा अंडा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो वो सुनहरा अंडा यहाँ पर छुपाया गया है। सुनहरा अंडा? ओ क्या है? कूल। हे, क्या हाल है डूड? तुम बताओ। हम दोनों हैं। कूल। ओह, हेलो बनी। हे, शॉपिंग करने चले? एक नया शॉपिंग सेंटर खुला है। ओह नहीं, बहुत दूर है। हम वहाँ पैदल नहीं जाएंगे, ठीक है? यो, मैंने कब पैदल चलने कहा? हाँ। Hey! चल यार, अच्छे काम के लिए लिया है। कमाल आइडिया है। ओके, यही करते हैं। चलो नीचे उतरो। क्यों, मजा आया दोस्तों? ये तो शॉक वेव्स रैबिट का लीडर है। क्या डूड, बहुत स्टाइल मारते हो तुम। कौन? मैं? हाँ, वो तो है। ईस्टर संडे ठीक 12 बजे वही पूरे गोदाम के पीछे। थैंक यू। रुको, वहाँ क्या होने वाला है? एक बड़ा खेल, पर अगर तुम आओगे तब तो फिर मिलते हैं। अरे यार, वो इस तरह के खेल में तुम्हें बहुत मुश्किल चीजें करवाएंगे। सुनो बन्नी, तुम सच में उनके गैंग में शामिल होना चाहते हो? शॉकवेव रैबिट गैंग? क्यों नहीं, बिल्कुल दोस्तों। वो यहाँ का सबसे अच्छा गैंग है। किसी को भी ये मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। और हमारा क्या होगा? हाँ, हा? तुम हमें धोखा देना चाहते हो? सुनो, एक बार मैं गैंग में चला जाऊँ फिर तुम्हें भी बुलाऊंगा, ठीक है? क्या सच में तुम ये करोगे? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। तो फिर अब हमें अच्छे कपड़े भी लेने होंगे। हाँ।
ये कैसे गिर गया? अगर मुझे पता चला ना ये किसका काम है तो उसके कान उखाड़ लूंगी। ये बच्चे भी ना चारों तरफ खिलौने फैला देते हैं। सब मिल गया। ओके, तीन के काउंट पर भागो। 1, 3 रैबिट, तुम्हें क्या लगा आज ईस्टर है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कल्लू बल्लू, दिखाओ तुमने क्या लिया। ये देख लो। वो सब क्या था? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? किस बारे में बात कर रहे हो? हमें तो बहुत मजा आया। मेरा पैर एक अजीब सी लेदर जैकेट पर पड़ गया था। ये देखो, अगर चाहो तो इसे पहन सकते हो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हे बल्लू, क्या मैं ये ले सकती हूँ? और बदले में हमें क्या मिलेगा? हाँ, इससे काम चलेगा? क्या इससे? ये क्या है? एक रैबिट स्कूल, कहानी वाली किताब। तुम लोग बहुत बुरे हो। देखो जरा उनकी आंखें कैसी चमक रही है, कितना अच्छे से पेंट करना सीख रहे हैं। अगर तुम फेल हो गई तो मजाक बनेगा और तुम कभी ईस्टर बनी नहीं बन पाओगी। मैं ऐसे ही किसी रैबिट स्कूल में जाना चाहती हूँ। क्या सच में तुम्हें लगता है ऐसा स्कूल होता है? हाँ लगता है, बुक वापस करो। तो ये लो। ये अच्छा था ना? सही बिड़ू। ये लो बुक। शुक्रिया। क्या चल रहा है? वो बेचारी एक छोटी सी बच्ची है। हमें लगा था तुम शॉक वेव रैबिट बनना चाहते थे, पर वहाँ तो ये सब कुछ नहीं चलता। चक्कर है। ओ बच्चे, जरा संभल कर आना उस पर। बताओ अब कौन रो रहा है? इसे थोड़ा और ऊपर लो। जो हुक्म मेरे आका। बहुत मजा आ रहा है। क्या चीज है भाई? गैंग में शामिल होकर रहूंगा, शॉक में रैबिट बन के रहूंगा। उसे वहाँ से नीचे जल्दी उतारो। ये तो दूर निकल गया भाई, सिग्नल मिल नहीं रहा मुझे। तुम मजाक कर रहे हो? ओ दोस्त, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। छोटे बच्चों के पेरेंट्स को खास चेतावनी दी जाती है, कुछ बहुत ही खतरनाक और नुकसान देने वाली चीज पूरी दुनिया में फैल रही है, और वो है लोमड़ी के कीड़े। जंगली भेड़ों के चुनने से अपने आप को रोकें और अपने अच्छे से ही। ना तो लोमड़ी को पाले और ना खाना खिलाएं, ऐसा करने से आपको रेबीज हो सकता है। ये तो ईस्टर एग लग रहा है। मुझे ईस्टर बनी बहुत प्यारा लगता है। ईस्टर बनी आई लव यू। इन खरगोशों को हमेशा अच्छा समझा जाता है क्योंकि उनके पास गोल्डन एग्स है, पर हमें कौन प्यार करेगा? सुनो माँ, पता है हमें क्या मिला है? हाँ, एक उड़ता हुआ ईस्टर रैबिट। अपने आप उड़ने वाली मशीन, इंपोर्टेड लगती है। बकवास बंद करो और पकड़ो उसे। यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा करो।
रहे हो? पीछा करो। पीछा करो इसका। जल्दी जल्दी पॉकेट लेना, तोड़ना मत। इधर ले। रूल नंबर 15, पेंट ब्रश को मजबूती और सीधा पकड़े जब भी ईस्टर एग को डेकोरेट करें। तो अब हम सब लोग इधर ध्यान देंगे प्लीज। चुप रहो। पर दत्तू, आवाज वहाँ से आ रही है। ओह, ये क्या मुसीबत है? आखिर ये चीज है क्या? हेलो, तुम जिंदा तो हो ना? तुम एंजल हो, मैं शायद जन्नत में हूँ। बेचारा, मैं बबली हूँ। और तुम? बनी। हाँ, तुम लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं? मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ? ओह मेरे बच्चे, शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं आई। जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या वो सच में रैबिट स्कूल है? कमाल है। तुम लोग तो सचमुच में हो। मैं समझा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम सचमुच में हैं। क्या तुमने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है हम कितने होशियार हैं? हम सब उसी किताब वाले बनी हैं। तुम सब किताब वाले बनी हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इस शहर में तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा बनी टेल कहाँ है? हाँ तुम शहर से आए हो? अकेले आए हो? तुम बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे हो। चलो थकान दूर करने के लिए तुम्हें एक गिलास गाजर का जूस पिलाते हैं। गाजर नहीं शुक्रिया, घर जाकर सोडा पी लूंगा। तुम अभी वापस जाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? ना ना, ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी है, बहुत मुश्किल काम है, कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। तुम जाओ अंडे वाला काम संभालो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? तो फिर जल्दी चलो। चलो। जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ उड़ सकती हूँ? तुम? हाँ बिल्कुल, पहले मैं इसे उड़ने के लिए तैयार कर लूँ। ओह अब क्या होगा? अब तुम अपने घर कैसे पहुँच पाओगे? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम सब यहाँ पर बंद रहते हो? क्योंकि ये लोमड़ियों से हमारी हिफाजत करता है। तुम लोग उन दो चार डरपोक लोमड़ियों से डरते हो? मैंने उन्हें कुछ देर पहले ही धूल चटाई थी। ओह मुझे यकीन नहीं होता, तुम रूल नहीं जानते हो क्या? सिर्फ एक ईस्टर रैबिट ही किसी लोमड़ी से ज्यादा होशियार हो सकता है। मैं नहीं मानता, तुम शहर के रैबिट्स को नहीं जानती। बहुत बड़ बोले हो। एक मिनट रुको, दरवाजे की चाबी किसके पास है? अकेले पैदल जाओगे? मैं इजाजत नहीं दे सकता। लोमड़िया बाहर घात लगाए बैठी हैं। तुम्हारे साथ किसी का होना जरूरी है, पर अभी नहीं, ईस्टर के बाद कुछ सोच सकते हैं। ईस्टर के बाद? पर मुझे अभी घर जाना है। नामुमकिन है, पर अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे माँ बाप को कबूतर से खबर पहुँचा सकते हैं। मेरे कोई माँ बाप है ही नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ से जाना है। अच्छा रहेगा तुम सबके साथ यहीं रहने लग जाओ। हमारी क्लास 8 बजे शुरू होती है। मैं जानता हूँ बबली तुम्हें स्कूल के नियम बता देगी। सबके साथ नियम? ये नहीं चलेगा। संभाल कर रखा करो इसे। शुक्रिया, संभाल के रखूंगा। अब ये कौन है? मैडम पिंकी, हमारी मास्टर ट्रेनर। तुम्हें मेरी चाबी फिर से कैसे मिली? बस मिल गई। वो सब कुछ जानती हैं। दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी। वो सोने का अंडा?
ठीक हमारी नाक के नीचे रखा हुआ है। और तुम लोग ये लेकर आए हो? तुमने मेरे नाम पर कलंक लगा दिया, पर अभी भी वक्त है, कलंक धो सकते हो। मुझे वो सोने का अंडा ला कर दो। हम एक बार फिर से बन जाएंगे ईस्टर लूमड़िया और अंत हो जाएगा उन प्यारे न्यारे नाजुक ईस्टर रैबिट्स का। जरा देखो तो यहाँ पर क्या है। लोमड़ी का सर। ओ नहीं, हे सोना बंद करो, सुबह हो गई है। नहीं, मैं अभी यही हूँ। काश ये सब मेरा एक बुरा सपना होता। बुरा सपना? बिल्कुल नहीं, ये जगह बहुत खूबसूरत है, तुम समझ जाओगे। क्या 6 बजे है? मैं तो अक्सर सोता ही इसी टाइम पर हूँ। वहाँ ऊपर क्या है? कुछ नहीं, चाबी जैसी कोई चीज लग रही है। अगर थी भी तो भी हमें जाना पड़ेगा। प्लीज नीचे आ जाओ, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। सही कहा, ये दरवाजे की दूसरी चाबी है, पर मुर्गा शोर मचा देगा अगर तुमने उसका दरवाजा खोला तो। तुम्हें दरवाजा खोलने की चिंता नहीं करनी है, ये हर एक घंटे के बाद आवाज लगाता है। आओ चलें, मुझे पता है तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। एक शानदार सा नाश्ता, गर्म चॉकलेट और सैंडविच के साथ एक्स्ट्रा क्रीम। अब ऐसे करो और गहरी सांस लो। एक्सरसाइज सुबह सुबह उठकर करो, व्यायाम बनाता है ईस्टर बनी को महान। रूल नंबर 2, मुझसे नहीं होगा। गर्म पानी से नहाए बिना मुझमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आती। गर्म पानी से नहाना, ये कहना क्या चाह रहा है? कि यहाँ लाइट नहीं होती, मेरा मतलब वो जो दीवार पर चीज होती है, लाइट और फोन और गन पानी। किस लिए चाहिए? कुछ और बात करो। सिर्फ पानी से नहाकर क्या होता है? अब ये क्या चीज है? ये स्प्रिंग फ्लावर परफ्यूम है। नहीं, ये है असली स्प्रिंग फ्लावर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। एक लोमड़ी का सर? तुम्हारा मतलब है ईस्टर खतरे में है? लगता तो ऐसा ही है। फिर तो हमें सारे बच्चों को अलर्ट करना होगा। फिलहाल हमें ये बात हम तक ही छुपा कर रखनी होगी। डरना किसी मुसीबत का हल नहीं होता। पर हम आखिर करें क्या, बताओ? दिमाग से काम लेना होगा, आत्मा की शांति पर भरोसा रखना होगा। हम बात करेंगे लोमड़ी की, जो होती है बदमाश, धोखे से अपने जाल में लेती है फांस। वो छुपा होता है खेतों और जंगलों में, छुपकर खाद लगा बैठा है अकेले में। ये निशान मदद कर सकते हैं, पर हमें इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं छोटा जानवर, उससे बड़ा और एक लोमड़ी,
सही, बहुत अच्छी। ये किसका है? हाँ? जी हाँ, ये है रबर सोल वाले स्नीकर्स जो एक सिटी रैबिट की निशानी होती है। अपने पैर नीचे करो बंटी, अब आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 24। कानून है ये जो आपके लिए, सीखना है से अपने लिए। तुम जल्द ही सीख जाओगे। हीर का निशान हवा की दिशा बताता है, तुम्हें किस तरफ भागना है जिससे लोमड़ी तक तुम्हारी खुशबू ना पहुंच सके। मैं जानता हूँ, आ जाओ। मैंने कर दिया सर। पर ये तो गलत है एंटोन। क्या कह रहे हो? पर तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे एंटोन। जो कुछ तुम लोग सीख रहे हो सब बेकार की चीजें हैं। अगर तुम्हें लोमड़ी दिखे तो ऐसे करो, फिर ऐसे और तेज भागो। बहुत आसान है। और तुम्हारे शहर में कोई खेल भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मजेदार खेल, पर यहाँ जैसे बच्चों वाले खेल नहीं। ये वो जगह है जहाँ हम अपने ईस्टर रैबिट एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं। वाह, ये तो सच में बहुत कूल है ना? हाँ ठीक ही है। अब जरा ध्यान से, अब हम देखने वाले हैं सबसे अच्छी ट्रिक गायब हो जाना। हाँ, ये हमारे एग छुपाने की सबसे अच्छी ट्रिक है। वाह कमाल, उसने 6 टारगेट पूरे किए हैं। ये है, मैं 4 टारगेट्स को पूरा कर सकती हूँ। सच में? तो दिखाओ ये तुम कैसे करती हो, वो भी इतनी सुपर स्पीड में। गायब हो जाने वाली ट्रिक के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसे में जल्दी ही लैंड करना भी सीख जाऊंगा। सुनो तुम लोग, मैंने यहाँ बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, तुम लोग इन छोटी उछल कूद में खुश रहो। चुप हो जाओ। रुको, आ रहा हूँ। इस बार मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया? आखिर मुझे फिर से मिल ही गया। यस। ये धुआं कैसा है वहाँ? इस बार कौन सा प्लान बना रहे हो तुम लोग? हाँ? ओह, ये यहाँ कैसे? ये चेन वाली आरी सही काम कर रही है। आज सुबह मोटर भी ठीक कर दी, बस इसका जंग साफ करना है। हाँ हाँ, सारे गंदे काम मेरे हिस्से ही आते हैं, सारे अच्छे काम खुद करते हैं। फंस गया शिकार जाल में, अब मजा आएगा। देखे तो जरा कौन फंसा है यहाँ। ईस्टर पर एक मजेदार सरप्राइज, माँ तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं, तुम भूल कर रहे हो, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। मेरे अंदर जहर भरा है, बहुत गंदगी और पता नहीं क्या क्या। तुम्हारी मॉम मुझे खाकर उल्टियाँ करने लगेंगी। प्लीज मुझे मत मारना, बदले में जो चाहे मुझसे ले लो। मेरा ये चिपचिपा हाथ, मेरा माउथ वॉश, सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। माफ करना, क्या खरगोशों के स्कूल का रास्ता यही है? नहीं, पर माँ के चूल्हे की तरफ का रास्ता यही है। हाँ। 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 हाँ।
के लिए शुक्रिया। तुम तो अभी से ही टूट पड़े। जाओ जाकर छुप जाओ। रुको। अब भागो यहाँ से। वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उसे। पहले आकर मुझे तो नीचे उतारो। लोमड़िया है, जाल है, चारों तरफ जाल बिछा है। ये जंगल क्यों गया? क्या ये पागल है? और तुमने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। तुमने यहाँ रहने वाले हर किसी की जान को खतरे में डाल दिया था। क्या? वैसे ये बताओ, तुम्हें चाबी मिली कहाँ से? मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ से चाबी लेना मना है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही लापरवाह है। इसने तो सबको खतरे में डाल दिया। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मुझे पता है मैंने ठीक नहीं किया। तुम्हें सच में ऐसा लगता? क्या दिन था। लीडर बटन कहाँ गया? मैंने गैंग में शामिल होने का टिकट खो दिया। ओ नहीं, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। कोई चांस नहीं। शायद चांस है। तो तुम एक ईस्टर रैबिट बनना चाहते हो? मैं अपनी क्लास में उनको ये लेती हूँ जो सालों से ट्रेनिंग कर रहे हूँ। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए मुझे, ये बहुत आसान है। और सबसे जरूरी बात, एक ईस्टर रैबिट का सफर उसके अंतर मन से शुरू होता है। बबली, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी गायब होने वाली ट्रिक? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ये देखो, मुझे इन सबको पॉलिश करना है। तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली है। मैं माफी चाहता हूँ, ये सब मैंने घर जाने के लिए किया। तुम कभी भी एक ईस्टर रैबिट नहीं बन सकते, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें और किसी की कोई परवाह नहीं है। हाँ नहीं, पर मैं क्या करूँ, शहर की अच्छी चीजें मेरा इंतजार कर रही है। हाँ? ये आवाज कैसी, कहीं लोमड़िया तो नहीं? डरो मत बच्चों, हमें झाड़ियों के पीछे सुरक्षित हैं। कोई आज तक इन्हें पार नहीं कर सका। गलत, उनके पास चेन वाली आ रही है, वो यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। देखो तुम लोग डरो मत, कोई आज तक इसे पार नहीं कर सका। किस बात का इंतजार कर रहे हो, हमें कुछ करना होगा। बस भाई बस, नहीं नहीं नहीं, बस बस रुक जा। मूर्ख कहेंगे। बल्लू के दम। पर माँ, हमारे ये प्लान बहुत अच्छा था। पर किसी काम नहीं आया। दफा हो जाओ, इतना बेवकूफ हो। देख लिया तुमने, झाड़ियों ने बचा लिया। ये लोमड़ी आखिर करना क्या चाहती थी? इन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैं तो कहता हूँ ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसी ने उन लोमड़ियों को गुस्सा दिलाया है। नहीं बनी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पहले से ही शक था, वो ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? क्या? इसका मतलब है कि हमें साथ में रहते हुए बहुत होशियार रहना है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं, हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे।
इस तरह की सोच रखने वाले को शहर में किसी काम का नहीं समझा जाता। हाँ? हाँ? बनी, तुम मुझे गेट की चाबी दोगे प्लीज? क्या है, पर वो तो यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। मुझे पता लगाना है लोमड़ियों का क्या प्लान है। पर इसमें बहुत खतरा है दोस्त। पर हमें कुछ तो करना होगा ना, तुम्ही ने तो कहा था। और वैसे भी मेरी मदद तुम पर उधार है। हवा की दिशा बिल्कुल ठीक है, मैं लोमड़ियों के घर तक जा सकती हूँ बिना मेरी खुशबू पहुँचाए। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। क्या? शहर का रूल नंबर 4, अगर कोई है आपका सच्चा साथी तो हर दुख सुख में रहो उसके साथ ही। वाह, ये तो अच्छी बात है। बनी, के लिए है। hey! आखिर ये लोग अंदर कर क्या रहे हैं? कभी हम लोग को इस तरह का मजेदार खाना खाने क्यों नहीं मिलता है माँ? आपको यकीन है कि इंसान के बच्चों को ये कीड़े और तले हुए स्पाइडर पसंद आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत मजा आएगा उन्हें। हर बार ईस्टर एग्स में इतना मजा नहीं होता। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? नहीं पता। मुझे कुछ खुशबू आ रही है। सच में वहाँ बाहर से? ओ नहीं, भागो यहाँ से। आखिर वो कहाँ छुप गया? बहुत मजेदार होगा। यहाँ छुपा है? कुछ नहीं है। होना तो यही कहीं चाहिए। शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम नहीं निकल पाएंगे। क्या? तुम वहाँ देखो। एक सेकेंड। ये खरगोश की खुशबू तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो स्प्रिंग फ्लावर था। अगर वो खरगोश होते तो मजा आ जाता। छोड़ो उसे, पहले मुझे वो कुल देने गला कर दूं, उसके बाद जितने चाहो उतने खरगोश पकड़ते रहना। लोमड़ियों को गोल्डन एग के बारे में पता चल गया? हमें दिन रात मेहनत करनी होगी और उस गोल्डन एग के पवित्र घर को छुपाना होगा। हम गोल्डन एग को उनके हाथ नहीं लगने दे सकते। और जहाँ तक तुम्हारी बात है छोटे बदमाश, तुमने दोबारा जंगल में जाकर बड़ी गलती की है, पर इस बार तो तुम बबली को भी अपने साथ भगा ले गए। पर आइडिया मेरा था दद्दू, ये तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो फिर जाकर टोकरियाँ बनाओ, दोनों मिलकर बनाओगे। इस सब के लिए समय नहीं है बनी। तुम मुझे सुबह मिल रहे हो और जगह तुम अच्छी तरह से जानते हो। वाह, बंटी अब ईस्टर रैबिट की ट्रेनिंग में शामिल हो गया है। सच में? क्या ये सच है? और मेरे लिए कुछ नहीं? प्लीज, नियम नंबर 23 याद है ना? तुम बहुत झूठी हो। आप और आपके बेकार के रूल्स। अगर आज बबली नहीं होती तो कभी पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। वो हिम्मत वाली है, बहादुर है। कोई बात नहीं बनी, यहाँ ऐसा ही होता है। गायब होने वाला ट्रिक करे? बताइए, बताइए ना। उड़ने की चाहत रखने वालों को पहले अपने पर मजबूत करने होते हैं। क्या कहा आपने? मैं उड़ना पहले से ही जानता हूँ। बहुत अच्छे, फिर तो तुम उन पत्थरों से एक बड़ा सा अंडा आसानी से बना सकते हो। क्या? मुझे कोई एग वेग नहीं बनाना है, मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है।
पत्थर का एग, ये क्या पागलपन है। अगर इस बार कामयाब नहीं हुए तो अच्छी खबर लूंगी। ओ, प्लान तो जरूर कामयाब होगा माँ, पूरा नक्शा दिमाग में है। तो ईस्टर तक तुम लोग टोकरियों का काम पूरा कर लोगे? ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे हमारी तारीफ में गीत गाएंगे, वो हमें पालेंगे, हमें खिलाएंगे और भी ना जाने क्या क्या करेंगे। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। आखिर ये कर क्या रहे हैं? कम से कम हमें इतना तो पता है कि वो लोग कुछ करने वाले हैं, पर हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। ये देखकर कितनी खुशी होती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बदमाश बंटी हमारी कोई मदद कर सकता है? सब्र रखो, सब पता चल जाएगा, सब्र रखो। आराम से गिरना मत। समझ गया, अब देखना। टडा! अच्छा दिमाग लगाया, अब फिर से बनाओ बिना लकड़ियों के। लकड़ियों के बिना ये कैसे होगा? इन पत्थरों को ऐसे समझो जैसे कि ये एक समाज है, हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए जहाँ से वो समाज की मदद कर सके। पर जरा इन पत्थरों को देखिए तो सही, कौन सा सही है कैसे पता चलेगा? इस पत्थर से शुरुआत करके देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जान जाओगे किसकी कहाँ जरूरत है। हाँ वैसे अब मुझे पता है कहाँ ध्यान देना है। क्या यही गोल्डन एग छुपाते हो? मैं देख सकता हूँ प्लीज? बाहर के लोग इसे नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, बनी अब हमारा ही साथी है। ओह, क्या ये असली सोना है? इसे छूना मत। हर साल इसमें नए सोने के पत्ते जोड़े जाते हैं, हर नए ईस्टर रैबिट के लिए एक नया सोने का पत्ता, इसीलिए एग हर साल बड़ा होता जाता है और मजबूत भी। मैडम पिंकी कहती है कि ये एग हमें ताकत देता है गायब हो जाने के लिए और लोमड़ियों से लड़ने के लिए। अगर लोमड़ियाँ इस एग को चुरा ले तो फिर यहाँ कोई भी ईस्टर रैबिट नहीं बचेगा और ईस्टर एक कहानी बनकर रह जाएगा। लोमड़ियों को देने में नहीं छीनने में मजा आता है। वो ये एग नहीं ले जा पाएंगे। हाँ ये वाला, ये फिर ये, लगभग पूरा हो गया। हाँ?
वो ऊपर का हिस्सा कभी नहीं बना पाएगा। लगता है तुम्हें किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए। वाह, अब तुम्हारी बारी। ठीक है। करते जाओ। हो गया? हाँ, लगता तो है। देखते हैं कैसा बना है। नहीं। रुक जाओ। रुक जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा था ना, अब से बनी तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करेगा। ये कितनी अच्छी बात है बनी। वाओ, बहुत बढ़िया। चलो शुरू हो जाओ। सब लोग मुझे देखो, मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। आराम से। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। बहुत हो। अब गायब होने वाली ट्रिक है ना, उसे सीखने के लिए क्या करना होगा? आंखें बंद करो, खुद को भूल जाओ और काम के बारे में सोचो। अपनी नहीं, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचो। एक मिनट, समझ गया, मैं कोशिश करता हूँ। बनी को करके दिखाओगी? हाँ जरूर। देखा तुमने, ये अब भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कल रात शायद मैं उल्टी तरफ पैर करके सो गया था। ये गायब होने वाली ट्रिक, क्या मैं ईस्टर तक इसे सीख जाऊंगा? अगर नहीं सीखे तो अगले साल सीख लेना मेरे साथ। नहीं हो सकता, ईस्टर के संडे तक मुझे वापस जाना ही होगा। पर क्यों जाना है? क्योंकि मुझे एक बहुत ही कमाल के गैंग में शामिल होना है। और ये होता क्या है ये गैंग? ये लोगों का एक ग्रुप होता है जो साथ मिलकर कमाल की चीजें करते हैं। तुम्हारा मतलब है ईस्टर रैबिट की तरह? हाँ, कुछ ऐसा ही। हाँ। कोई ऐसी चीज नजर आई जिस पर शक किया जा सके? नहीं, कोई हलचल नहीं है। फिर भी इन बातों का क्या मतलब, यहाँ कुछ ही लोग हैं और हमें इस इलाके पर नजर रखनी है, कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ इसी तरह से काम होता है नौजवान। इसमें तुम अलग क्या कर सकते हो? शहर में हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ अलग जरूर सोचते हैं, जैसे कि हाँ ये हो सकता है, यहाँ अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ ये बिजली का तार है। अब जैसे ही तुम इसे पकड़ोगे तो कमाल है ना। अब जहाँ तक झाड़ियाँ है वहाँ तक तार बिछाना होगा, जिससे हमें वहाँ की हलचल का पता चलेगा जब भी कोई अंदर आएगा। चलो मैं एक लाइन खींचता हूँ जिससे हम तुरंत काम शुरू कर सकें। अभी तो फिर अब स्कूल के रूल नंबर 10 का क्या होगा जिसमें हर सुबह ट्रेनिंग करते हैं? नियम को सीखना होगा ताकि तुम्हें पता हो कि उन्हें तोड़ना कब है। खेलो, पकड़ो इसे। हो गया। मेरी सीढ़ी पकड़ो।
काम बहुत अच्छे से हो रहा है। कोई मेरी इधर मदद करना। ये लो बबली, अब तो बारी बारी है। एक सेकंड रुको। ये क्या था? ये मेरा चश्मा फिर से कहाँ गायब हो गया? मिल गया। शायद तुम्हारे बारे में मेरी सोच गलत थी बंटी, तुम में एक महान ईस्टर रैबिट बनने की काबिलियत है। शुक्रिया। बनी और एक महान ईस्टर रैबिट, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। सुनो बनी, क्या तुम वहाँ मेरी मदद करोगे? मैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम सच में? देखना तुम उसके पैर में कैसे चोट लगती है। इसमें कुछ बुरा नहीं है, हम ईस्टर रैबिट एग्जाम की तैयारी भी तो कर रहे हैं। हाँ बस यही चढ़ना है। तुम्हें ये गायब होने वाली ट्रिक करने में कितनी प्रैक्टिस लगी थी? तुम ऊपर चलो, मैं पकड़ता हूँ। ठीक है। मुझे कैसे भी करके इस ट्रिक को सीखना ही है इससे। ऊपर देखो एंटर। दोस्त, तुम बाल बाल बच गए। माफ करना। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, बस एक छोटा सा हादसा था, सब ठीक है। शुक्रिया। गया। ओ हाँ, ठीक है फिर, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा बच्चों, नियम नंबर 15 क्या है? एक ब्रश से भी कर सकते हैं, पर बिना ब्रश के ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता। ये तो बहुत सुंदर है। एक बार मैं भी करके देखूं क्या? बिल्कुल। वाह शुक्रिया। सुनो बबली, एक बात बताओ। क्या हुआ? तुमने कभी किसी चीज को पाना चाहा और फिर अचानक तुम्हें लगा कि शायद तुम्हें वो नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो हमेशा से ईस्टर बनी बनना चाहती हूँ, तब से जब से मैंने पहली बार गोल्डन एग को देखा। सब लोग उठ जाओ, लोमड़ी आ गई है। एक नंबर के गधे हो तुम, दूरी का तुम्हारा अंदाजा गलत था। ना मुमकिन, ये बस गलत लीवर खींचने की वजह से हुआ है। माँ, एल का मतलब लल्लू। बताया तो था। तो फिर गिल्लू ने इसे क्यों खींचा? उन्होंने गुलेल बना लिया है। अब क्या होगा, हमारी झाड़ियाँ यह हमला नहीं रोक पाएंगी। मेरे पीछे आओ। एफ माँ, एफ का मतलब फुल्लू। मुझे बेवकूफ समझा है? ओह नो, शायद हमने देर कर दी। पहले मुझसे निपटना होगा, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। कम से कम छोटा सा खरगोश तो खा ही सकता हूँ ना मैं।
ऐसे ही बस स्टेज के लिए नहीं। पहले मुझे सोने का अंडा ला कर दो। अरे तुम कहाँ चले? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो। गद्दे की तरफ एंटोन, आ जाओ। बिना वो अंडा लाए वापस आने के बारे में सोचना भी मत। जाओ अपने भाई की मदद करो। तुम और तुम्हारी ये घटिया चाल। माँ चाल तो बहुत अच्छी थी, सारी गड़बड़ गिल्लू के झाड़ियों पर गिरने से अलार्म बजने की वजह से हुई। बकवास मत करो मुझसे, मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, चुपचाप घर चलो। यार पिंकी, लोमड़ियों के घर से आज धुआं उठता नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, मुझे पास जाकर देखना होगा। ओ अब गुस्सा खत्म करो माँ। बिल्कुल नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? इस जंगल से दूर। मैं किसी भी खरगोश को देखना नहीं चाहती कि वो इस जगह पर मेरे आसपास भी रहे। मैं उन्हें देखकर पागल हो जाऊंगी, मुझे छुट्टी चाहिए। और हर बार सारा काम मुझसे ही क्यों करवाते हो? ये क्या है? लोमड़िया यहाँ से भाग गई है। मतलब अब हम ईस्टर खुलकर मना सकते हैं। देखा, कहा था ना, मैं उन बदमाशों को मजा चखा सकता हूँ। बिल्कुल, तुमने ही किया। हम सब साथ मिलकर हो रहा है। रुको बबली। सुनो बनी, मुझे जंगल में ये मिला, लगा शायद तुम्हारा हो। ओ हाँ, शुक्रिया। मैडम पिंकी, अगर किसी ने ईस्टर के लिए मेहनत की हो तो क्या उसे गायब होने वाली ट्रिक का एग्जाम के लिए आना जरूरी है? न-न-न। पर अगर उसका दिल हमारे साथ है तो वो ये भी जरूर सीख जाएगा। बस उस खिड़की तक। बनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये देखना चाहती थी कि मैं कुछ बड़ी हुई या नहीं। तो बड़ी हुई? लो इसे पहन लो, इससे थोड़ी लंबी हो जाओगी। शुक्रिया। और तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम जाना चाहते हो? वो हाँ, लोमड़िया चली गई, कोई खतरा भी नहीं है और गायब होने वाली ट्रिक भी नहीं। तो फिर अगले साल के एग्जाम में हिस्सा ले लेना। तुम यहाँ के लिए बने हो बनी, तुम हमारे जैसे ही हो गए हो अब। तुम एक ईस्टर रैबिट बन चुके हो। मैं एक गैंग रैबिट हूँ बबली। पर अब हम ही तुम्हारा गैंग है। तुम बिल्कुल नहीं समझती है ना? तो मुझे समझाओ ना प्लीज। एक गैंग तुम ऐसा समझ लो, ये दुनिया उसके सामने बहुत छोटी है। पर तुम
गुड बाय बबली। शहर की खुशबू ही अलग है, जो मजा यहाँ है वो और कहाँ मिलेगा। आखिरकार घर आ गया। वो चला गया, ये बात समझ नहीं आई। मुझे लगा था वो ईस्टर रैबिट बनना चाहता है। अक्सर रास्ता बनाने वाले रास्ता देख नहीं पाते। ये हमारे इम्तिहान लेने वाले कहाँ रह गए? विलबार्ड, उन्हें तो अब तक यहाँ जाना चाहिए था। बबली, जरा मेरा एक काम करो। बबली, बबली, बबली। पागल कहीं का। ए, कहाँ थे अब तक? ओ भाई, हमको तो लगा तुम गए। दोस्त, किसी ने तुम्हारे जूते छीन लिए क्या? तुम इतने टाइम से थे कहाँ? बता कर फायदा नहीं। इतना बुरा था? बहुत बुरा था। तब तक हमने पता किया कि तुम सॉफ्ट वेव्स रैबिट को कैसे इम्प्रेस करोगे। हाँ बिड़ू, सच में तुम्हें जाकर ईस्टर बास्केट लूटनी होगी। जो सबसे ज्यादा अंडे और सामान चुराएगा जीत जाएगा। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मॉल से, आज सुबह। बहुत ही अजीब लोग थे। एक पागल बूढ़ी लोमड़ी अपने लड़कों के साथ वहाँ थी, पर वो तो बुरी तरह पागल हो गए जब उन्हें एक रैबिट कॉस्ट्यूम दिखाई दी। रैबिट के कपड़े? हाँ, उनमें से एक भाई ने उसे पहन लिया और फिर वो सीटी बजाते हुए जंगल की तरफ वापस चले गए। ओ गए काम से। क्या हुआ बेडू? रैबिट स्कूल खतरे में है। रैबिट स्कूल? लगता है फिर से पागल हो गए। वाओ, ये इसने कहाँ से सीखा? हमें तो कहा गया था कि इम्तिहान लेने के विलबार्ड आने वाले। हाँ, वो थोड़ा बीमार है इसलिए मुझे भेजा गया है। वैसे मैं भी बीमार हूँ। वैसे धुरंधर मेरा नाम, एग्जाम लेना मेरा काम। रास्ते में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? हमारे यहाँ लोमड़ियों की वजह से थोड़ी परेशानी हो गई थी। मत बताओ, मैं पहले जरा गेट बंद कर देता हूँ। जी हाँ, वह। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। जरूर जरूर, सब कुछ तैयार है। तो तुम हो वो ईस्टर बनी का एग्जाम लेने वाले टीचर, सब कुछ बताना होगा तुम्हें। अगर कुछ भी छिपाया तो लोमड़ी मौसी का मजेदार खाना बन जाओगे तुम। कोई बचाओ, बचाओ। और ये निशान, ये उन शैतान लोमड़ियों के हैं। हाँ, सही जवाब, शाबाश। तो चलिए अब हम इम्तिहान के प्रैक्टिकल वाला हिस्सा शुरू करते हैं। देखो खरगोश, हमारा शिकार। ये सब मत करो, चुपचाप चलते रहो। तुम ये सब जानबूझकर करते हो ताकि हमारी ईस्टर बास्केट को पसंद ना किया जाए।
एक मिनट रुको, बहुत कुछ पूछना बाकी है। खाना देख कर तो आऊं जरा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी चटनी बना के खा लूंगी, समझे? लोमड़िया रैबिट स्कूल पहुँच चुकी है। एक खरगोश बनकर गया है, पता है। चल ये यहाँ से जल्दी। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आखिर वो है कहाँ पर? ये नक्शा बहुत बेकार है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेकार की चीज है ये। ये क्या हो गया? वाह, इससे खरगोशों को ताकत मिलती है। पर अब वो ताकत उन्हें नहीं मिलेगी। रुक जाओ बनी। लोमड़िया, लोमड़िया अंदर आ चुकी है। उनमें से एक ने रैबिट के कपड़े पहने हुए हैं। एग्जामिनर रेनहार्ट, उधर देखो। पहली बार सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। एक को संभाल के, बहुत नाजुक है। चलो माँ के पास ले चलते हैं। हमारे गोल्डन है। चिंता मत करो बच्चों। अरे रुको रुको रुको, तुम फिर आ गए यहाँ पर। मैं कहता हूँ ये गेट खोल दो अभी के अभी। एंटन पकड़ो। कभी नहीं ले पाओगे। अब और बर्दाश्त नहीं होता। गिल्लू के पास आओ। हे मोटे, यकीन नहीं होता। चीकू ये लो। क्या बात है? सामने देखो चीकू। सुनो मोटे, पीछे देखो। मुझे मोटा मत कहना। जल्दी चलो यहाँ से। अब सुनो, बबली और मैं उसे गेट से दूर ले जाएंगे। तुम लोग एक को किसी सेफ जगह ले जाना। ठीक है, बाकी दो को हम संभाल लेंगे। भागो। बच्चों इस तरफ आओ। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। दिखाई नहीं देता क्या? बच के कहाँ जाएंगे? अरे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। उसके सर पर निशाना लगाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो आगे बढ़ो। थोड़ा दाईं तरफ। क्या शॉट है। बहुत संभल के, सब एक साथ मिलकर। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। अब तो तुम लोग गए। ट्रेनिंग कोर्स की तरफ बबली। क्या बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। संभल कर। बच के कहाँ जाओगे मुझसे? पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ बनी। बचाओ मुझे। बचाओ। लगता है इस लोमड़ी का चक्की में पिसकर आटा बन गया है। टिल्लू उठ जाओ, वो हमारा एग ले जा रहे हैं। बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो एक हमारे हवाले कर दो और बदले में चीकू ले लो। नहीं, मत देना।
अंडा उन्हें दे दो। शुक्रिया। चलो अब तुम जरा वो गेट भी खोल दो। हाँ, मैं खोलता हूँ। चाबी मुझे दो। नहीं तुम नहीं। चलो लाओ चाबी दो। नहीं पहले चीकू को छोड़ो। ठीक है तो फिर एक साथ। इस तरह देख के मां खुश होंगी। कहीं टूट ना जाए। बनी बनी, मैं तो बच गया। ऐसा लगा फिर से जन्नत में पहुंच गया। हाँ ये रैबिट की जन्नत ही तो है। तुमने कमाल कर दिया। यकीन नहीं होता, तुमने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। शायद जीत तुम्हारी हुई। तुम लोग की टीम सच में बहुत अच्छी है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया बनी। जरा रुको, किसी की कमी है यहाँ पर। बबली आ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो बबली। शुक्रिया। ये लो। ओ ये बताओ, यहाँ स्कूल का कोई नियम लागू होता है क्या? होता है। रूल नंबर एक जो कमाल का है, हम है एक सॉलिड टीम। इस बार का ईस्टर होगा एक खूबसूरत ड्रीम। अरे ये कैसे गिरा? अरे यहाँ पे तो ईस्टर एग है। वाह कितने अच्छे ईस्टर एग्स हैं। यहाँ भी है। देखो देखो ईस्टर एग है यहाँ। खुद अपना ब्रेकफास्ट ढूंढो यार। हमने सबके लिए छुपाई है। मेरा सर घूम रहा है। तुम सच में ईस्टर बनी बन गए हो? ईस्टर रैबिट, बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है ईस्टर बनी बनना दुनिया का सबसे मजेदार काम है। अगर तुम्हें भी बनना है तो मुझे बता देना, तुम्हें शामिल कर सकता हूँ। अब शॉक वेव रैबिट को भी मजा चखाएंगे अगर उन्होंने एग चुराया। ईस्टर रैबिट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रूल नंबर एक, एग छीनने वालों को नो चांस कसम से, अगर उनका होने वाला है सामना हमसे। उस रैबिट के बच्चे को तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, बहुत मजा आएगा।